ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है जिसमें कांस्टेंट मोशन का कंसेप्ट भी लगेगा, तो यूज़फुल है। ये एक सिस्टम है जिसमें स्प्रिंग दिया हुआ है, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ये फर्स्ट मास है और ये सेकंड मास है, दोनों का वैल्यू एम है, ये भी एम है, ये दो पुलीज हैं, ये स्ट्रिंग यहाँ पे टाइड है, इस जगह पे बंधा हुआ है और यहाँ से जाके दोनों पुलीज के ऊपर से जाके यहाँ पे टच हो रहा है। तो ऐसे प्रॉब्लम के में दो स्टेजेस हैं, एक तो स्टेज वन में आप इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल लीजिए, इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालने के लिए आपको जो सारे फोर्सेस निकालने पड़ेंगे, तो हम लिखते हैं इसमें इक्विलिब्रियम है मीन्स ये स्टेबल है, हमने धीरे से इसको रखा है तो कोई एक्सलरेशन अभी नहीं हो रहा है, स्टेबल है। नीचे फोर्स एम जी है, ऊपर टेंशन टी आई ले लेते हैं, ऐसे लगेगा इस थ्रेड में, टी आई ऐसे लगेगा, ये पुलीज मासलेस हैं तो टी आई इधर लगेगा, इधर टी आई ऐसे लगेगा और इधर टी आई ऐसे लगेगा, तो ये ट्वाइस टी आई यहाँ पे इस वाले पुली को अगर मैं देखूँ तो ये टी आई ऐसे था और एक टी आई ऐसे था, तो यहाँ पे लगेगा ट्वाइस टी आई ऐसे, और ये जब ये मास पे जाके कनेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे ऐसे ट्वाइस टी आई लगेगा और इधर ये स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग में अगर एक्सटेंशन डेल्टा है तो स्प्रिंग का फोर्स के डेल्टा है और मास का इस डायरेक्शन में अलोंग द इंक्लाइन प्लेन कितना होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये हो गया एम जी साइन थीटा। तो इसका इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिख लीजिए पहले ही, ये होगा एम जी साइन थीटा प्लस ट्वाइस टी आई इज इक्वल टू के डेल्टा, ये तो एक इक्वेशन हो गया। दूसरे वाले मास का तो बहुत इजी है, वो है एम जी इज इक्वल टू टी आई, तो ये टी आई का वैल्यू यहाँ रख लीजिए, तो के डेल्टा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस ट्वाइस एम जी, ये आपका इक्विलिब्रियम का इक्वेशन है, ये पहले आपको लिखना पड़ेगा। अब सेकंड स्टेज पे आते हैं जहाँ पे हम इसको इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे स्मॉल डिस्टेंस x, ये आपका रेफरेंस पॉइंट मान लीजिए इक्विलिब्रियम वाला, हमने यहाँ से इसको डिस्प्लेस किया और अब इस इक्विलिब्रियम के अबाउट ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। अगर इनिशियल हम एम्पलीट्यूड x0 देंगे तो x0 से करेगा, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हमने इसको x, हमने किसी टाइम पे मानते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट इक्विलिब्रियम से x है, तो इसका एक्सलरेशन कितना होगा x डबल डॉट, इस पॉइंट का एक्सलरेशन कितना होगा, वो होगा x डबल डॉट अपॉन 2। क्यों ऐसा क्यों हुआ, ये इम्पॉर्टेंट है। ऐसा जब पुली का अरेंजमेंट होता है, तो इसको मैं दोबारा से बनाता हूँ, जब भी दो पुली इस टाइप से टाइड हैं कि एक स्ट्रिंग का एक एंड तो फिक्स्ड है और दोनों पुलीज के ऊपर से जा रहा है, और एक पुली तो सेंटर पे फिक्स्ड है और दूसरा पुली जो है ऐसे मूव कर सकता है, उसका सेंटर शिफ्ट कर सकता है, तो इसमें आप एक तो याद रख लीजिए, मैं मेथड भी बताता हूँ कैसे निकलता है, अगर ये x होता है तो ये x अपॉन 2 होगा, अगर ये x मूव करेगा तो ये x अपॉन 2 मूव करेगा, ये आप याद रख लीजिए। आया कैसे, बहुत सिंपल तरीका है, अगर यहाँ पे टेंशन T है तो यहाँ पे T है, यहाँ पे T है, यहाँ पे T है, यहाँ पे T है और ये ट्वाइस T है, अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट x है और टेंशन t है तो वर्क डन tx हुआ, उतना ही वर्क डन यहाँ होगा, कोई लॉस नहीं मान रहे। सपोज यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट y है तो ट्वाइस ty होगा, तो y का वैल्यू कितना होगा x अपॉन 2। सो ये कॉन्स्टेंट मोशन से भी निकाल सकते हैं, पावर से भी निकाल सकते हैं, हमने टेंशन और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर दिए, तो यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे x अपॉन 2 होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। अब इस प्रॉब्लम का नेक्स्ट स्टेज जो हम करेंगे, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जो x डिस्प्लेसमेंट हमने ले लिया, यहाँ एक्सलरेशन x डबल डॉट हुआ, यहाँ एक्सलरेशन x डबल डॉट अपॉन 2 हुआ, यहाँ पे टेंशन आप अब t फाइनल मानिए, सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा जो इस मास पे नीचे की तरफ एक्ट करेगा, ट्वाइस t फाइनल आ जाएगा।
स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा, के जो इनिशियल डेल्टा था प्लस एक्स अपॉन टू, और इसका एक्सलरेशन है एक्स डबल डॉट अपॉन टू, और इसमें जो डाउनवर्ड्स फोर्स लग रहा है एम जी साइन थीटा। तो आप इस ऊपर वाले मास का इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, एम एक्स डबल डॉट अपॉन टू इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस ट्वाइस टी फाइनल माइनस के डेल्टा माइनस के एक्स अपॉन टू। नीचे वाले मास के लिए भी लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ मोशन, ये एम जी नीचे लग रहा है, ऊपर टी एफ लग रहा है, और ये एक्सलरेशन है एक्स डबल डॉट। सो एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू एम जी माइनस टी एफ, इसको आप ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर लीजिए और ऐड कर लीजिए। सो ये आया आपका एम एक्स डबल डॉट अपॉन टू प्लस ट्वाइस एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस ट्वाइस एम जी माइनस के डेल्टा माइनस के एक्स अपॉन टू, और ये आपका के डेल्टा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस ट्वाइस एम जी था, और यहाँ माइनस हो गया ये, तो ये कैंसिल हो गया। ये आ गया आपका फाइव एम एक्स डबल डॉट अपॉन टू इक्वल टू माइनस के एक्स अपॉन टू, और एम एक्स डबल डॉट इंटू फाइव माइनस के एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये आपका एस एच एम का इक्वेशन है, तो ओमेगा इज रूट के अपॉन फाइव एम आपका आंसर हुआ।